होशियार करूंगी अब जाऊं तत्काल चाल के पलटी नहीं उधार करूंगी अब चाल कती ना छुपेगी और उस राजा का हाँ उस राजा का के होगा या चंचा चतने छुपेगी जे गुण की निशानी नहीं रही तो सारी दुनिया छुपेगी जे गुण की निशानी नहीं रही तो सारी दुनिया छुपेगी भलाई थारी है गंगा बोली सुनते जाओ यही भलाई थारी है और एक संतान उसको भी चाहिए एक संतान उसको भी चाहिए जो राजा छत्तर धारी है। मैं सातों का उद्धार करूंगी सातों का उद्धार करूंगी यही मुसीबत भारी है पर एक नहीं बहा पाऊंगी एक नहीं बहा पाऊंगी या मोटी बीमारी है और गंधर्व राधेश्याम कर गुरु मिले ब्रह्मचारी है और गाने के मां दखल करे या धुआं किसे भारी है शानी है उस राजा के वंश की भी रह जाएगी एक निशानी है एक एक अंश हम आठ वसु हैं अपने अंश में से एक एक अंश हम आठ देंगे इसलिए आठ वंश से आठ अंश से वंश चलेगा आठ अंश से वंश चलेगा होगी अमर कहानी है और आठवां पुत्र जन्मेगा आठवां पुत्र जन्मेगा आठवां पुत्र जन्मेगा ताकतवर और ज्ञानी है और उसको नहीं पा पावेगी लिखी ले गए वाणी है ये इसके आगे क्या होगा कोई समझदार नहीं इसका क्या होगा कोई समझदार नहीं जिससे तुम शादी करोगे उसके कुल की भी कोई निशानी होनी चाहिए इसलिए हम अपने अपने अंश में से एक एक अंश देंगे आठ देवताओं के अंश से जो आठवीं संतान पैदा होगी वो बहुत बड़ा ताकतवर और बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञानी होगा इसलिए वो उस राजा के वंश की निशानी रह जाएगा फिर इतनी सुन करके इतनी सुन इतनी सुनते देर करी ना फिर गंगा जी चली और देवलोक से चली चली वो नंद लोक में
अवसर की वो समय गया ना, खाली लोगों को पूर्व वर्ष में एक राजा प्रतीत हुआ बलशाली। और जिसका राम रुखाड़ा उसने कौन मारने। सज्जनों इस तरह से वो सुने गंगा के सामने अपने हकीकत बताई कि ऐसे ऐसे हमने उस बाबा की वशिष्ठ ऋषि की गऊ चुराई थी, वशिष्ठ का श्राप लग गया और ऐसे ऐसे उसने श्राप से उद्धार होने का तरीका बताया। गंगा जी अब कोई साधारण औरत तो हमें अपने गर्भ में स्थान दे नहीं सकती और तुम देव माता हो इसलिए तुम हमें अपने गर्भ में जगह दे दो। हम नौ महीने के अंतराल में तुम्हारे गर्भ में आएंगे और तुम जन्म लेते ही हमारा उद्धार कर देना। गंगा के हाथ में बहा दे। सज्जनों गंगा यहाँ से वसुओं को वचन देती है कि जाओ मैं वचन देती हूँ, मैं मृत्यु लोक में जाऊंगी, राजा शांतनु से ब्याह रचाऊंगी और तुम्हारे को जन्म देकर के तुम्हें गंगा की धार में बहाऊंगा। ये वचन दे करके गंगा यहाँ से चल देती है। मन ही मन में सोचगी और दौड़ी दौड़ी गंगा चाली मृत्यु लोक में पहुंचती। मृत्यु लोक में गंगा जी आ जाती है, उस समय का इंतजार करती है कि कब वो राजा शांतनु आएगा और कब मैं उसके साथ में शादी करूंगा। लोगों इधर से पीछे जो शुरू में कथा जहां से आरंभ की थी मैंने बताया था कि एक श्राप लग गया किसको, राजा महाभीष को, जिसने गंगा का अंग देखा था। गंगा का अंग देखा था, ब्रह्मा ने श्राप दिया था जाओ तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा और गंगा के साथ में ब्याह करवाना पड़ेगा। अभी वो महाभीष आया नहीं, ये 100 रुपए दान वहां कर लिया। लोगों कुरु वंश में हस्तनापुर में एक राजा हुए जिसका नाम था राजा प्रतीत। राजा प्रतीत, राजा प्रतीत का चौथा पुरुषा आ गया था और उस समय हो हस्तनापुर का जो प्रतिरूप था उसका चलकर चौथा पण आया है और चौथा पण में राजा की जब थर थर हाली काया है और उसी समय महारानी ने एक पुत्र महल में जाया है। सज्जनों राजा प्रतीत के एक पुत्र हुआ, बात आगे बताऊंगा उस पुत्र का नाम क्या हुआ, लेकिन जिस दिन पुत्र हुआ उसके कुछ दिन बाद ही राजा प्रतीत एक दिन गंगा के किनारे जंगल में अपनी त्रिकाल संध्या करते थे। वो संध्या करने के बहाने राजा जंगल में आते हैं और गंगा के किनारे स्नान ध्यान करके अपना आसन लगा करके बैठ जाते हैं और अपनी आंख बंद कर लेते हैं और अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। उस समय माया भगवान की जब राजा प्रतीत उस अपने ध्यान में बैठा हुआ था उसी समय एक विचित्र घटना घटी। वो एक राजा था प्रतीत, बताया नाम प्रतीत,
कई तो प्रदीप कह दिए। प्रदीप बताया नाम, और एक राम करने चला वो गंगा जी का धाम। गंगा जी के घाट पे किया मड़ मड़ के स्नान, और फिर आसन बिछा के बैठ गया, लिया लगा हरी में। राजा प्रतीप हस्तनापुर नरेश गंगा जी के किनारे पर स्नान ध्यान करके आसन लगा करके और अपनी माला लेकर के भगवान के ध्यान में लीन हो जाते हैं। और उसी समय एक घटना घट गई है। क्या घटना घटी है और किस तरह से एक नई विधाता की माया होती है। एक बहुत पहले एक फिल्म का गाना आया था, कुछ कुछ नए लोग भी बैठे थे, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, एकदम कथा की सारी। उस समय कब, जब प्रतीप ऋषि अपने ध्यान में बैठा है, उसी समय के दौड़ी दौड़ी गंगा चाली सांस मिले ना सांस में, दौड़ी दौड़ी गंगा चाली सांस मिले ना सांस में। गंगा जी 16 श्रृंगार करके और अपनी धार में से निकल करके आती है, एक नौजवान युवती का रूप बनाती है। दौड़ी दौड़ी गंगा चाली सांस मिले ना सांस में, दौड़ी दौड़ी गंगा चाली सांस मिले ना सांस में, दौड़ी दौड़ी गंगा चाली सांस मिले ना सांस में। चेहरा जैसे चंदा करे उजाला, तेरे चम 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 चेहरा जैसे चंदा करे उजाला, तेरे चम 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 चेहरा समक चंदा करे उजाला। गले में माला पड़ी हुई, माला पड़ी हुई और धूप ताप में जड़ी हुई, हाय गले में सूरज के प्रकाश में, सूरज के प्रकाश में, थोड़ी थोड़ी गंगा आई सांस में ना सांस में, थोड़ी थोड़ी गंगा आई सांस में ना सांस में। शमी शमी गंगा आई उस राजा के पास में, उस राजा के पास में, थोड़ी थोड़ी गंगा आई सांस में ना सांस में, थोड़ी थोड़ी गंगा आई। La 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 la
रूप बना करके और उस राजा पति के पास में आकर के खड़ी हो जाती है। बहुत देर से खड़ी रही, विचार करती है कि हो सकता है ये आंख खोल करके मुझे देखे, लेकिन काफी समय बीत गया। गंगा ने क्या किया, जब एकदम तबीयत बैठ गई, एकदम तबीयत बैठ गई, गंगा खड़ी खड़ी बहुत देर तक दुखी होगी तो बैठने के लिए जगह चाहिए ना। हाँ, एकदम तबीयत बैठ गई तो वो जो राजा बैठा था ना, उस राजा के पास पहुंची। एकदम तबीयत बैठ गई और दाई जान पे बैठ गई, एकदम तबीयत बैठ गई और दाई जान पर बैठ गई, एकदम तबीयत बैठ गई, दाई जान पर बैठ गई। और जब राजा ने आंख खोली, 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 नजर करी उस रास में, नजर करी उस रास में, डोरी डोरी गंगाई पड़ा कौन सा बाम तेरा, मेरे पास में पड़ा कौन सा काम तेरा, मेरे पास में कौन सा काम तेरा। ए मीठी मीठी हा तू मीठी मीठी बोले से और नू मिश्री सी बोले से, मिठी मिठी बोले से और नूर श्री सी बोले से, एक मुर्गाई सी डोले से, मुर्गाई सी बोले से, हाँ मुर्गाई सी डोले से, इस बारी मनो पास में, बारी मनो पास में, थोड़ी थोड़ी गंगाई सांस में, थोड़ी थोड़ी गंगाई सांस में, उस राजा के पास में राजा की बेटे से कहाँ ठिकाना काम तेरा, इस जंगल में कहाँ रहे और कैसा है इंतजाम तेरा, और
सुन के गंगा बोली सारा हाल सुना दूंगी, जो भी तू पूछा चाहे वो ही तत्काल सुना दूंगी, एक मिनट ना झूठ कहूँ ना पाड़ो भाल सुना दूंगी, पर मन मचन एक बड़े दे सच्चे भोपाल सुना दूंगी, तू वचन दे कि तू मेरी आस पूरी कर दे, दे। उस समय राजा बोला सुन वो कछे ये जंगल में यावान कर मेरी बात पे ध्यान, तू चूक की ओसान को ना जान पहचान, को ना जान पहचान और बिना बात मांग रही इस ऋषि से वरदान, इस राजा से वरदान पर छत्तरधारी राजा की है एक ही जबान, जादू चावे सोई हो जागा तने दे दिनी जबान, चावे सोई हो जागा तेरी बात से मान, चावे सोई हो जागा तू मेरी बात से मान, तू चाहे सोई हो जाएगा। उस समय गंगा बोली सुन छत्रपति तने अपना हाल सुनाऊंगी, और वैसे तो मैं देवलोक में अपना समय बिताऊं, पर समय पलट गया दशा बदल गई मैं दर दर ठोकर खाऊं, मौका बड़ा अनोखा चोखा आज तने अजमाऊं, मैं तेरे आशा करके आई तने पति बनाना चाहूं सुनूं, इतनी सुनकर राजा बेला पहचान बिना मेरी जान का गाड़ा करी से, और पहले वचन भरा मना तू खेल निराला करी से, ये सारी दुनिया तू फेर दी मेरा तू मुंह काला करी से, ये सारी दुनिया तू फेर दी मेरा तू मुंह काला करी से, सारी दुनिया तू फेर दी मेरा तू मुंह काला करी से, तूने नाम नहीं बताया तू मेरा तब भंग करने के लिए आई है, नोली सुनता जा राजा मैं देवलोक से आई मेरे मन में उठी तरंग राजा, और देवों की भी माता हूँ देवों की भी माता हूँ मेरा अजब निराला रंग राजा, और वैसे मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ और लोग कह रहे गंग राजा मेरा नाम है, हाँ मैं ब्रह्मा जी की पुत्री सी और नाम बताऊं गंग राजा, तेरे पास मैं आई हूँ ना करूं तपस्या गंग राजा, लेकिन मैं मांगो सो ही मिल जा तो मेरा राजी हो जा गंग राजा, वैसे मेरा नाम जाह्नवी भी है, एक नाम भागीरथी भी है और एक नाम मेरा गंगा भी है, तेरे पास में आई हूँ तुझे पति बनाना चाहती हूँ, मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ। उस समय राजा ने कहा गंगा अरे मान गया चतुराई है और देवलोक से गंगा मृत्यु लोक में आई है, और ये भी मैं कोई जानूं कि ये देवों की सकराई है, और तू कोई का कल्याण करेगी या मेरे धन में आई है, लेकिन होनहार बलवान कुदरती इतना खेल खिलाई है, ये तू
पलट जगह पे बैठ गई, तूने आप ही गलती खाई है। तू पलट जगह पे बैठ गई, तूने आप ही गलती खाई है। पलट जगह पे बैठ गई, तूने आप ही गलती खाई है। ये बैठन से पहले करके जान पिछाड़ बैठे से, बैठन से पहले उस जगह की जानकारी होना जरूरी है। बैठन से पहले कर करे जान पिछान बैठे से, और फिर समझे गई कर कर रख चातान बैठे से, और दाया जान पे बेटिया कोई पहाड़ बैठे तो पहले ही बताना था। मैं सब बातें न जानू सूं और सब समझौता जाना था। हो रहा बलवान कुदरती अब कुछ न आना जाना था। तू गलत जगह पे बैठ गई, तने पाई जाग पे आना था। मन के बेरा था अरे बावड़ी, क्यों तू लगा निशाना तू कह गई, तू गलत जगह पर बैठ गया। यो चोट दात में तू कह गई, से बेटी करके बहू बनाऊं तो सारी दुनिया तू कह गई। रे बेटी करके बहू बनाऊं तो सारी दुनिया तू कह गई। फिर गंगा जी ने बोली, अरे कर गया जुल्म कमाल राजा, पहले तूने वचन दिया उस वचन को संभाल राजा, मेरी आशा पूरी करेगा तू ऐसा है वो भोपाल राजा। अरे खुद थूके और खुद चाटे तू कुछ राग वचन का क्या राजा। खुद थूके और खुद चाटे से राग वचन का क्या राजा। खुद थूके और खुद चाटे से इतनी सुन वो राजा बोला, समय पलट के आवेगा। यो गुरु वंश का राजा है जो अपना धर्म निभावेगा, और मौका बड़ा अनोखा चोखा कठिना धोखा आवेगा। ये गंगा मेरे बेटा होगा वो तन्ने जाके हुए वो सब ठाठ देखती रहिए। देवलों को मैं रचे हुए थे वो सब ठाठ देखती रहिए। समय में कारण तन में छिड़ेगी वही उचाट देखती रहिए। और मेरे बेटा होगा तू उस दिन की बात देखती रहिए। बोला इच्छा पूरी हो जाएगी, इच्छा पूरी हो जाएगी। तू उस दिन के इंतजार में इच्छा पूरी हो जाएगी। तू बैठ जा इंतजार में। और इतनी कह के गंगा भड़की गंगा जी की धार में, वो इतनी सुन के गंगा भड़की तेरा जी की धार में।
गुरुद्वार में जावेगा, गुरुद्वार में जावेगा वो असली शिष्य पावेगा, जो गुरुद्वार में जावेगा असली शिष्य पावेगा, जो काकरिया में जावेगा वो असली शिष्य पावेगा, और ताजा रंग रंग गावेगा और नित नए भजन सुनावेगा, भाई ताजा आपस में बात होती है। राजा प्रतीक कहता है, गंगा तू गलती कर चुकी है, तू मेरी दाई जांग पे बैठ गई, अगर तू बाई जांग पे आ जाती तो मैं तेरे को अपनी पत्नी बना लेता, लेकिन ये दाई जांग बहू के लिए, बेटी के लिए और बहन के लिए हुआ करता है, और बाई जंगा बाया अंग पत्नी के लिए होता है, इसलिए गंगा तू गलत जगह पर आ गई, मैं अपना धर्म नहीं घटा सकता, मैं तेरे को अपनी पत्नी नहीं बना। गंगा बोले तो क्या फिर मैं निराश होकर के चली जाऊं, तुम जैसे छत्रधारी के पास आकर के मैं खाली चली जाऊं। राजा प्रतीत कहने लगा, गंगा जो मैंने वचन दिया है उसको जरूर निभाऊंगा, जहां मैं वचन देता हूं मेरे पुत्र होगा, उस पुत्र के साथ में तेरी शादी होगी, तुझे अपने बेटे की बहू बनाऊंगा। सज्जनों गंगा जी सुन करके वापस अपनी गंगा की धार में चली गई। गोकुलदास जी गंगा की धार में गंगा चली गई, इधर से माया भगवान की राजा प्रतीत के जो पुत्र हुआ में चौथे तन में लड़का हुआ, चौथे तन में शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है, चौथे तन में जब तक जवानी रहती है तब तक तड़क रहते हैं, और चौथा पण में शांत हो जाता है, जब शांत तन से जो संतान पैदा हुआ, ब्राह्मणों ने इसीलिए उसका नाम भी शांतनु रख दिया, महाराज आपके पुत्र का नाम होगा शांतनु। अब ये शांतनु कौन है? लोगों पिछली बात याद करियो, जो लिखा लेख में पाया है वो इक्ष्वाकु वंश का महाभीष, जिसने गंगा पर जान डिगाया है और ब्रह्मा जी का श्राप लगा जब कर्मों का फल पाया है, और वही महाभीष अब हस्तिनापुर में शांतनु बनकर आया है, वही महाभीष राजा प्रतीत का पुत्र शांतनु बनकर के आया है। अब ये देखो हमारे जो भी धर्मशास्त्र हैं, जो भी कथाएं हैं, लोग बात कई बार कह देते हैं भाई यह बात तो झूठी से हमारे बचे, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में कहीं ना कहीं कोई पुरानी बात का कोई नई बात से लगाव जरूर होता है, एक बात का दूसरी बात से लगाव होता है, बिना कारण बिना कोई कार्य होता ही नहीं। गंगा का श्राप था कि तुझे मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा और तुझे राजा महाभीष के साथ में ब्याह करवाना पड़ेगा। अब राजा महाभीष को श्राप था
कि तुझे भी मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा और गंगा के साथ में शादी भी करनी पड़ेगी। लेकिन उस रूप में राजा महाभीष्म शादी नहीं कर सकता और उस रूप में गंगा भी शादी नहीं कर सकता, इसलिए दोनों ने अपना शरीर बदल दिया है और राजा महाभीष्म शांतनु बन गया और वो गंगा 16 साल की नौजवानी होती दोबारा से अपना नाम गंगा धारण करके आ जाता है। सज्जनों, राजा प्रतीक जो शांतनु का पिता है वो वृद्ध हो गए और उस समय तक होनहार बलवान थी विघ्ना करे कमाल, धीरे धीरे हस्तिनापुर में बीते 16 साल बीत गए। गंगा जी बाढ़ देख रही है कि कोई ना कोई हस्तिनापुर का राजकुमार आए। 16 साल के बाद में राजा प्रतीक ने अपने बेटे शांतनु से कहा, बेटा अब मेरा चौथापन आ गया और वानप्रस्थ आश्रम में जाने का समय है, मैं जंगल में जाकर के भगवान का ध्यान करूंगा। आज के बाद में इस हस्तिनापुर के राजा तुम और मेरी प्रजा का पूरा ध्यान रखना। हाँ एक बात और है बेटा, ध्यान रखिए धर्म से न्यारा पाटिए मत ना और बोला पीछे पे धर्म की काटिए मत ना। बेटा तू कदे जंगल में चल जा, कभी जंगल में शिकार करने चला जा, जंगल में चल जा तो नू दिल डाटिए मत ना, और जे कोई नारी आके कुछ मांगे तो उसे जंगल में कभी जाए और अगर कोई औरत याचिका बनकर के तेरे पास आ जाए तो उसे इनकार मत कर। बेटा वो कुछ भी कहे उसकी बात को मान मान। क्यों पिताजी ऐसा क्या कारण है? इतनी कह के प्रतीक भूप के भर गया आख्या में पानी, बोला मेरा छतरा पण की लाज रखिए बेटा या से बात मेरी लाज रख देना बेटा, बस इतनी बात मान लेना तो जो भी कहे उसका वचन मंजूर कर देना। ठीक है पिताजी, इतनी कह के प्रतीक तो अपने वानप्रस्थ आश्रम को चला जाता है। सज्जनों समय एक साल और बीत जाते हैं और एक दिन होनहार बलवान शांतनु मन में मता उपाया है और करी सवारी घोड़े की वो राजा और चाल जंगल में। अब शांतनु राजा बन गया, घोड़े के सवार हो गए, हमने बोला जंगल में शिकार करने चलूंगा। लोगों शिकार खेलता 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 शांतनु उसी जगह पर आ गया जिस जगह पर एक दिन गंगा और प्रतीक मिले थे। उस जगह पर आकर के शांतनु खड़ा हो गया और जैसे खड़ा खड़ा गंगा की धार को देख रहा था उसी समय एक नया सा चमत्कार हुआ। क्या हुआ? एक बहुत पुराना राम तेरी गंगा मैली हो गई एक फिल्म आई थी, उसमें एक गीत आया था सुन साहिब सुन लेकिन उस समय क्या हुआ जब राजा शांतनु खड़ा खड़ा देख रहा था उसी समय गंग चली गंग भर के उमंग गंग चली गंग
भर के उमंग। लोगो गंगा कैसे आ रही थी, गंगा चल रही गंगा भर के उमंग। और जैसे कोई समतल के मां उठे थी रंग 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 गंग चल रही गंग हो। गंगा आकर के होगी खड़ी,
झड़ी पड़ी आकर के होगी खड़ी जब राजा की दृष्टि पड़ी आकर के होगी खड़ी जब राजा की दृष्टि पड़ी आकर के होगी खड़ी जब राजा की दृष्टि पड़ी कले में माला लड़ी रूपों की जो फुलझड़ी जंगल में मंगल हो जा ऐसा चढ़ा हो रहा था जैसे कोई पूनम काला चांद उजाला हो रहा था जैसे कोई पूनम काला चांद उजाला हो रहा था जैसे कोई पूनम काला चांद उजाला हो रहा था ईशा चंद निराला हो रहा था राजा शांतनु उसके चेहरे के तरफ देखते हैं और उसके रूप सौंदर्य को देख करके राजा शांतनु बिल्कुल बावड़ा सा हो गया कि ऐसी सुंदरता मैंने आज तक देखी नहीं। गंगा कुछ नहीं बोली लेकिन उससे पहले राजा शांतनु ही बोल गए कि हे देवी कौन हो तुम कहां से आई हो क्या तुम्हारा नाम है और इस जंगल में घूमने का तुम्हारा क्या काम है। उस समय गंगा समझी कि बहुत वर्षों पहले एक राजा आया था वो ये कहता था कि मेरा बेटा होगा और वो तुझसे शादी करेगा। जब गंगा बोली पहले आप अपना परिचय बताओ राजा शांतनु कहने लगा मैं हस्तिनापुर नरेश राजा प्रतीप का बड़ा प्रतापी पुत्र हूँ और मेरा नाम है राजा शांतनु। अच्छा तुम राजा प्रतीप के पुत्र हो बोला हाँ हाँ तो सुन गंगा बोली
तो पछे तने अपना बाबा मर्म सुनाऊंगी क्यों क्योंकि मौका बड़ा अनोखा चुका धोखा नहीं आऊंगी तू पर कोई वचन नहीं नटेगा तने पिछला याद दिलाऊंगी और मैं आशा करके आई तेरे संग शादी करना उस समय लोगों कुछ हो रहा बलवान कुदरती हो रहा बलवान कुदरती किस्मत पलटा खा गई और गंगा जी की सूरत कुछ कुछ उसके मन को पा गई और गंगा भी थी समझदार गंगा भी थी समझदार वो बाहर निकलता आ गई और गंगा की बातें सुन उसको भी याद पुरानी आ गई गंगा की बातें सुन सुन उसको याद पुरानी आ गई गंगा की बातें सुन सुन याद पुरानी आ गई आप हर हरियाणी के शांतनु को याद आ गई धर्म से नारा पटवे मतना शांतनु को याद आ गई के धर्म से नारा पटवे मतना मेरे पिता ने नू कह दिया था कदे अधर्म पे चटिए मतना जे कोई याचक पड़ के आवे तो दुखियारी ने नचिए मतना जे कोई याचक पड़ के आवे दुखियारी ने तो शांतनु कहने लगा हे देवी जाओ वचन देता हूं मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा लेकिन गंगा वचन देने के बाद मैंने बोले सुन राजा मेरी एक शर्त है अगर वो शर्त मंजूर करेगा तो मैं तेरे साथ में शादी कर लूंगी नहीं तो तेरा जया का बंदड़ा हूं जो 360 वापस चला जा मुझे कोई जरूरत नहीं शांतनु बोला अभी तो तू खुद कह रही थी मैं शादी करूंगा और अब तू शर्त रखने लगी गंगा बोली हाँ बिना शर्त के बिना मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी लोगों उस गंगा के रूप को देखकर कुछ विधि के विधान को देखकर के शांतनु इतना बावड़ा हो गया जा तू कुछ भी शर्त बता दे तेरी वही शर्त पूरी तो गंगा बोली सुन राजा शादी करके अपना फर्ज निभाऊंगी तेरे साथ में रह करके दृष्टि रीति अपनाऊंगी यहां से चल के राजा तेरे राजभवन में आऊंगी तेरे साथ में रह करके अपना समय बिताऊंगी लेकिन एक बात मेरी सुन राजा ध्यान धर्म पे लाऊंगी मेरी मन इच्छा से आऊंगी और मन इच्छा से जाऊंगी जिस दिन हाथ पकड़ लेगा जिस दिन हाथ पकड़ लेगा तने खोल खोल समझाऊंगी मैं फिर दोबारा नहीं मिलूंगी मैं अपने घर में जाऊंगी मैं फिर दोबारा नहीं मिलूंगी अपने घर में जाऊंगी मैं मेरी मन इच्छा के अनुसार काम करूंगा अगर तू मुझे रोकेगा तू मुझे टोकेगा अगर तूने कभी मेरा हाथ पकड़ लिया मेरे काम में अड़चन डाल दी उसी दिन तेरे मेरे रास्ते अलग अलग राजा शांतनु ने देखा कि वो गैर बाली से गणी करेगी तो के करेगी बाजार में चली जाएगी और कोई चूड़ी कंगन खरीद लिया होगा और के करे करे गणी करे करे वीर की जिद कर ले ले फिर चली जाएगा राजा शांतनु ने वचन दे दिया जाओ गंगा मैं वचन देता हूं और मैं कभी तुम्हारे काम में अड़चन नहीं डालूंगा गंगा बोली ना डालिए अगर अड़चन डालेगा तो
उतनु से डेरा अलग अलग लोगो पर लिए बचन साम तन में बचन लिए साम तन में लिखा लेख में पाया है और गंधर्वृत्ति से राजा ने गंगा से जा चला है और हो नार बनवाने कुदरती परमेश्वर की माया है और गंगा जी को बहु बना के हस्तनापुर में लाया है रंग रंग